क्राइम ब्रांच मुरादाबाद और थाना मझौला की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना के आधार पर तीन अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के दौरान जानकारी पर आया कि वो नकली नोट बनाने का कार्य कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके करते हैं और वो इस प्रकार से जनता के भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। कुछ सस्ते असली नोटों की एवज में उसका दो गुना तीन गुना जैसा कि उनका सौदा पट जाए इस प्रकार से नकली नोट प्रचलन में ले आने का प्रयास करते हैं। पुलिस के द्वारा उनके कब्जे से नकली नोटों के इस्तेमाल में प्रयुक्त होने वाले पेपर्स, केमिकल्स, पाउडर्स और कुछ नकली नोट जो उनके द्वारा तैयार किए गए हैं वो बरामद किए गए हैं। पूर्व में यह इसमें से एक व्यक्ति पूर्व में जेल जा चुके हैं, ये ठगी के पुराने अपराधी बताए जा रहे हैं और इनके सारी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत रूप से छानबीन की कार्यवाही जारी है। स्टूडेंट इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनका एक बेटा है वो पढ़ने लिखने वाला, जिसको भी अभी ये उसको ट्रेंड कर रहे हैं इस कृत्य में। अब इसमें 80 कुल नोट की गड्डियां हैं जिसमें 500 और 2000 के नोट की शक्ल की 80 गड्डियां इसमें हैं।